कवर कर ले, मैं दावा करता हूं कि मास्टर बन जाओगे। ये थोड़ा सा कम हवाबाजी किया करो, दिखावा थोड़ा कम किया करो ना। वैसे भी भारतीयों को इसी कारण से हिप्पोक्रेट कहा जाता है, दिखावा बहुत करते हैं। जब नवरात्र आएंगे तो ऐसा दिखावा करेंगे कि महिलाओं के प्रति भारतीयों के मन में कितना सम्मान है, महिलाओं को देवी का दर्जा दिखाकर प्रतिदिन दो टाइम उनकी पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि खत्म होने के बाद सड़कों पर निगाहें उसी तरीके से घूरना शुरू कर देती है। तो कब तक हम हिप्पोक्रेसी रखेंगे, कब तक हम अपने आप को दिखावे से ओतप्रोत रखेंगे? 15 अगस्त 26 जनवरी जब आता है तो ऐसा लगता है कि आज मुझसे कोई मांगे इस वतन के लिए प्राण देना तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगले ही दिन जब सड़क पर चलते हैं तो दो तीन फूकने की छींटे, कचरा फेंकने की बातें और अपने ईमानदार पूर्वक कर्तव्य निभाने की बातें भूल जाते हैं। कब तक हिप्पोक्रेसी करोगे? इस प्रतिस्पर्धी परीक्षा में तो हिप्पोक्रेसी छोड़ दो मेरे लाल लालियो, दिखावा कम करो। इतना भी कर लोगे तो मैं दावा करता हूं तुम्हें यूपीएससी में कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। कम करिए थोड़ा सा दिखावा। रक्षाबंधन आएगा तो भाई बहन के प्रेम स्वरूप ऐसे गाने आएंगे जैसे कि इस भारत में भाई बहन के अलावा कोई पवित्र रिश्ता ही नहीं है। अगले दिन पुनः सड़कों पर उसी तरीके की शैली से भारतीय पुरुष और लड़के सड़क पर घूरने वाली निगाह से उतरेंगे। ये दिखावा बंद करिए। अगर सच्चे मन से सम्मान करना है तो साल भर करिए, सच्चे मन से काम करना है तो साल भर करिए, कोई एक दिन का पर्व मत मनाइए।